मेरे YouTube चैनल BS Entertainment में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे दर्शकों को अपना परिचय देते हुए यहाँ के बारे में, यहाँ की विशेषता के बारे में आप जानकारी देने की कृपा करें, आपसे विशेष आग्रह है। माँ देवरी मंदिर का मुख्य पुजारी नरसिंह पंडा, यहाँ पर माँ दुर्गा का 16 भुजा मूर्ति है। यहाँ पर हम लोग का भव्य पूजा होती है, दुर्गा पूजा में नवरात्रा चलती है और यहाँ पर असंख्य भीड़ सब दिन रहती है। यहाँ पर भी जो भी मान्यता मांगते हैं वह पूर्ण होती है। अच्छा, इसका स्थापना काल के बारे में कुछ बतला सकते हैं? ये स्थापना जब मेरे दादाजी थे पूर्वज श्री चमरू पंडा का ही खोज का चीज़ है। जिस समय राजा का इस्टेट था, यहाँ चारों तरफ घनघोर जंगल था, यहाँ पर हम लोग उसी समय से पूजा करते चले आ रहे हैं। यह हम लोग का तीसरा पीढ़ी चल रहा है। तो लगभग ये जो आप बात कहें वो कितना वर्ष पहले की बात है? ये कम से कम 600 वर्ष का पहले का है। यहाँ पर घनघोर जंगल था, हम लोग का यह तीसरा पीढ़ी चल रहा है, ये 400 वर्ष हम लोग का पूजा करते करते आ गया है। अच्छा, और एक चीज़ बतलाइए, चूँकि यहाँ तो बाहर में बहुत विशाल मंदिर बना हुआ दिख रहा है लेकिन इसके अंदर में छोटा सा मंदिर है, तो ये दोनों मंदिर के बारे में हमें बताइए। ये यहाँ से बाहर भीतर का जो मंदिर है छोटा मंदिर, वह प्राचीनकालीन मंदिर है। ये हम विश्वकर्मा का बनाया हुआ है और ये जो बाहर से जो बना हुआ है ये मंदिर, ये 1999 से बना हुआ है इनका ऊपर का ढांचा। तो ये जो विश्वकर्मा निर्मित आप कह रहे हैं, तो जो साक्षात भगवान विश्वकर्मा के द्वारा उस मंदिर का बनाया हुआ है। तो उसके अंदर में जो देवी है 16 भुजी देवी जिसको कहते हैं, तो वो मूर्ति कहाँ से यहाँ पर? वो मूर्ति अपने से स्थापित है, उसी समय विश्वकर्मा का बनाया हुआ था, उसी समय से स्थापित है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है। और भी कुछ यहाँ के बारे में विशेष रूप से जानकारी हमारे दर्शकों को आप दे सकते हैं क्या, जिसे लोग नहीं जानते हो, जन जन तक ये बात पहुँचे? यहाँ पर भव्य पूजा होती है, यहाँ पर सब दिन पूजा होती रहती है, यहाँ पर यात्रियों का तांता लगा हुआ रहता है, यहाँ जो भी मनोता मांगने से वह पूर्ण होती है। अच्छा, और एक चीज़, जैसे मान लीजिए कि चूंकि यहाँ की इस लोकेलिटी के, ये झारखंड में है, तो यहाँ के लोग को तो पता है कि यहाँ के बारे में, लेकिन जो बाहर के लोग हैं जो यहाँ पहुँचना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ आने के लिए यहाँ का लोकेशन क्या है उसको बता। यहाँ आपको रांची तक आ जाना है, रांची के बाद ये चाहे टाटा आ जाना है, टाटा के बाद रास्ते में इनके आइए नेशनल रोड का किनारे ही है, वहाँ से आने जाने कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं होगा। अच्छा, मतलब कि रांची और टाटा के बीच में ही है, बीच में, बिल्कुल हाईवे में। हाईवे। तो चलिए, अभी आप लोग यहाँ के बारे में विस्तार से जान रहे थे, आप सभी जुड़े रहें, अभी और भी लोगों से मैं बात करूँगा। मैं अभी उसी पवित्र प्रांगण में हूँ, हमारे साथ में एक पंडित जी हैं। सबको जय माता दी बोलना चाहूँगा। मेरा नाम रजनीश पांडे, मैं 7 सालों से रांची पहाड़ी मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा दे रहा हूँ। अब इच्छा हुई कि माता देवड़ी के दरबार में भी कोई सेवा दें, तो भगवान राम का तिलक है श्री राम तिलक, इस माध्यम से हम लोग माता देवड़ी के दरबार में पहुँचे हैं। माता देवड़ी का मंदिर जो है प्राचीनकालीन मंदिर है, यहाँ भक्तों की हर मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। यहाँ 16 भुजी माता है, जिनका 16 भुजा माना जाता है। और ये ऐसी धारणा है कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े हुए ये मंदिर
पूर्ण रूप से है। यहाँ मंदिर परिसर में श्री राम तिलक जो लगाया जा रहा है, इसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दे दीजिए। जी, इस मंदिर में ही नहीं बल्कि हम लोग सनातन धर्म के जितने भी मंदिर है, हम लोगों का प्रयास है कि पूरे भारतवर्ष में श्री राम का तिलक प्रत्येक सनातनी के ललाट पे हो। इस उद्देश्य से इस मंदिर में भी हम लोग जो भी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, जब से भगवान राम की प्रतिमा अयोध्या में स्थापित हुआ है तब से राम नाम तिलक प्रत्येक मंदिर में लगाने का हम लोग विचार किए हैं और इसी उद्देश्य से कुछ दिनों से यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो अभी आप लोग यहीं रहने वाले हैं कि इसके बाद फिर और कहीं दूसरे मंदिर में जाएंगे? जी, आज का सेवा तो यहीं रहेगा और फिर कभी आगे। मतलब कि एक आप लोग बीड़ा उठाए हैं कि श्री राम तिलक जो है वो हर सनातनियों के माथे में चमके होना चाहिए, चाहे वो मंदिर के माध्यम से हो, कोई तीर्थस्थल के माध्यम से हो, या फिर कोई नदी के माध्यम से हो जहाँ पे लोग स्नान आदि करने जाते हैं, पवित्र नदी, पवित्र स्थल जहाँ पे हमारे श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, उनको ललाट पे श्री राम तिलक लगाने का हमने काम। चलिए, तो आप मेरे YouTube चैनल में जुड़े, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी मैं आगे चलता हूँ और भी लोगों से मैं बात करता हूँ।